वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू ब्लॉग अनदर न्यू डे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, गौ माता हैं जो कि बदावल वाले नहर में मृतक हैं और उसी में फंस चुकी हैं। तो अभी सूचना आई थी कि वहाँ से उन गौ माता को निकाल के और समाधि लगानी है, तो अपनी गौ रक्षक दल छाता की टीम जाने के लिए तैयार है। तो बाकी देखते हैं कौन कौन जा रहा है, कौन कौन नहीं। ये हमारे खेंचू प्रधान जा रहे हैं, तो गौ माता को नहर में से निकालने के लिए रस्सा लाए जा रहे हैं, और ये अपने कमल भाई गौ रक्षक दल छाता के अध्यक्ष पट्टी जो कि नहर में से निकालने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी हमारी। गाड़ी आ रही है फिलहाल, तो हम चार जने और देखते हैं कौन कौन आ रहा है, कौन कौन नहीं। कुछ बंदे वहीं पे, तो मिलते हैं आपसे वहीं पर। तो बरसाने वाले रास्ते पे भीड़ बहुत ज़्यादा है और बाइकों की संख्या हमारे पास अभी कम थी, क्योंकि बहुत बाइकें सुबह सुबह काम रहता है तो गई हुई हैं। तो बाकी अपना गौ रक्षक दल छाता पैदल जा रहा है, आगे से टेम्पो वगैरह बुक कर लेगा, उसके बाद फिर टेम्पो से जाएंगे नहर पे। कम से कम 5-7 किलोमीटर डिस्टेंस है और गौ माता नहर में है, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है वहाँ पे पहुँचने में। बाकी आज बरसाने की लठमार हो ली है, तो वहाँ के लिए बरसाना डर। और एक बात बहुत ज़्यादा सोचने वाली है, ये रास्ता छाता से बरसाने के लिए जाता है और यहाँ पे गौ माता शायद कई दिन से पड़ी हुई हैं, जैसी इनकी कंडीशन देख के पता चल रहा है, पर किसी ने भी इस चीज़ को नोटिस नहीं किया। हमें आज सूचना मिली तो आज हम तुरंत आ गए। गौ माता की समाधि यहीं पर लगाई जाएगी, क्योंकि यहाँ से ले जाना बहुत ही कठिन काम है, तो यहीं पर गड्ढा खोद रहा, समाधि यहीं पर लगाई जाएगी। गौ रक्षक दल छाता टीम फरसा वाले महाराज जी, आप देख सकते हैं कि ये रोड से कितना दूर है और यहाँ पे गड्ढा खोदना बहुत ज़्यादा कठिन काम है, क्योंकि ऊपर ऊपर तो मिट्टी ठीकते, नीचे कंक्रीट वगैरह क्या क्या मिक्स निकल रहा है कुछ पता नहीं है। और गौ माता की समाधि लगानी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो अभी बहुत देर से गड्ढा खोद रहे हैं, अभी भी थोड़ा बहुत ही खोदा है, बहुत खोदना है अभी, उसके बाद समाधि लगाई जाएगी। देखते हैं, यहाँ पे नीचे बहुत ज़्यादा कंक्रीट वगैरह आ गई जैसे समाधि नहीं लगा पा रहे, पर कोशिश पूरी है, समाधि लगाई गौ रक्षक दल छाता की टीम। बाकी अपने सारे गौ सेवक खड़े हैं, नंबर बाई नंबर खोद रहे हैं, ये हमारी गौ माता है जो। तो आखिरकार गौ माता की समाधि लगा दी गई है, यहाँ पे अगरबत्ती वगैरह जला दी है, सिंदूर डाल रहे हैं और यहाँ पे। तो दोस्तों समाधि लगाने के बाद आए थे घर पे, तो कपड़े वगैरह धोए, नहाए हुए, अभी बज रहे हैं करीब शाम के 4, तो भूख लग रही है, तो अभी खाते हैं खाना, और खाना खाने के बाद चलते हैं बाहर की तरफ, देखते हैं क्या सीन है, क्या अपडेट है। तो खाते हैं अपना खाना, मिलते हैं आपसे बाद में। अभी अभी घर पे पूजा की, पूजा करने के बाद कमल भाई का फ़ोन आया कि 2 कुत्तों के लग गई है, एक का पैर कट गया, एक की और कोई तकलीफ है ट्रेन से, तो चलते हैं वहाँ। तो यहाँ पे पहुँचते देखा तो एक कुत्ते का पीछे वाला पैर बहुत ज़्यादा ट्रेन से डैमेज हो गया है, और एक कुत्ते के थोड़ा सर के पास चोट है, तो दोनों ले जाते हैं और उनका ऑपरेशन करवाते हैं। तो हमारे डॉक्टर साहब ने इनका ट्रीटमेंट कर दिया है, ट्रीटमेंट करने के बाद उनको ऑब्जर्वेशन में रखा है यहीं पर हम सब। बाकी देखते हैं कितनी देर में होश आता है इनको, तो मिलते हैं आपसे बाद में। तो अभी अपने ऑफिस का ताला लगा दिया है, तो इस कुत्ते को जो थे वहाँ पे उनका ऑपरेशन किया था, तो मिलते हैं आपसे घर पर। ऑफिस पे से 2 कुत्ते थे जिनको लाए थे हम, एक का पैर कट गया था ट्रेन से और दूसरे को भी कुछ हो गया था ट्रेन से, तो उनका डॉक्टर साहब की सहायता से ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन करने के बाद उनको अब वहीं पर छोड़ के आ गए कमरे में, बिस्कुट वगैरह धर के कमल भाई और श्याम सुंदर भाई ने। तो अभी सोते हैं, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। जय श्री राम, जय गौ माता जी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट, बाकी टल मिलते हैं आपसे।